सीमा पांचवी पास लड़की थी, उसका बस एक ही सपना था कि उसकी शादी किसी पढ़े लिखे लड़के से हो जाए। उसके लिए मुकेश नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है जो कि ग्रेजुएट था। सीमा ये सुनती है और उसके बाद मुकेश को देखे बिना ही शादी के लिए हाँ कह देती है। लेकिन शादी के बाद सीमा को असलियत का पता चलता है कि मुकेश ने डिग्री पैसे देकर हासिल की थी, जिसके बाद एक दिन वो उसे सुनाते हुए कहती है, हम भले ही पांचवी पढ़े हैं लेकिन कम से कम पढ़े तो हैं। तुमने तो मुझे शादी करके फंसा लिया, पर हमका तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी डिग्री नकली है। अरे ओ सीमा, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे आटे और शादी में नमक जितना झूठ तो चल ही जाता है। अजी कैसे चलता, जिसे अंग्रेजी नहीं आती है ना उसका मजाक उड़ता है दुनिया में, ब्लडी फूल कहीं के। अरे तुम झगड़ा कर रही हो तो समझ में आता है, लेकिन झगड़ा करते समय रोमांटिक होकर फूल पट्टी बीच में काहे ला रही हो? फूल की पट्टी नहीं, आपको सुना रही हूँ और अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। ये तुमसे ना बात करना ही बेकार है, यू आर अंडरटेकर। अनबिलीवेबल होता है, मैं भी सोशल साइट देख कर आई हूँ और कुछ सीख भी गई हूँ, तुम भी देखा करो। इतना कहकर मुकेश अपने काम पर जाने के लिए घर से निकल जाता है। तभी सीमा की पड़ोस की सहेली शिल्पा उसके घर आती है और उसे मिलकर उसे कहती है, अरे सीमा मुझे एक फॉर्म भरवाना था, वो क्या है ना कि मेरे चिंटू का एक बहुत बड़े अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन हुआ है, अब तू तो जानती है कि वहाँ ये फॉर्म भर के देना है। अरे शिल्पा ये तो बहुत कमाल की बात है, लेकिन उसमें तब तक एडमिशन नहीं होता जब तक माँ या बाप में से किसी एक जने को अंग्रेजी अच्छी ना आती हो। हाँ बाबा, मेरे पति 12वीं पास है लेकिन हेलीकॉप्टर के पंखे से भी ज्यादा तेज इंग्लिश बोलते हैं। अब इतने ही अच्छे हैं तो फॉर्म भी उन्हीं से भरवा लेना। यार भरवा तो लेती, वो जरूरी काम से बाहर गए हैं तो मैंने सोचा तेरे पति से ही भरवा लूं। तेरे पति को भी तो इंग्लिश आती है ना? अरे नहीं आती यार, मेरा पति तो गांव का है। अच्छा गांव का है, मुझे तो लगा तेरा पति है। अरे क्यों मजाक कर रही है यार, बोलने को तो ग्रेजुएट है लेकिन लगता है स्कूल में नहीं स्कूल के पीछे पढ़ा है। अच्छा छोड़ ये सब, मैं अब चलती हूँ, किसी और से भरवा लूंगी। क्या? अरे फॉर्म बाबा फॉर्म। ये कहकर शिल्पा तो वहाँ से चली जाती है और सीमा भी सोचने लगती है कि आज से वो अपने पति को अंग्रेजी सिखा कर ही दम लेगी। जिसके बाद शाम को जैसे ही सीमा का पति मुकेश अब घर वापस आता है, सीमा अंग्रेजी की कुछ किताबें लेकर बैठी होती है और मुकेश से कहती है, सुनो अब से हमारे बीच इंग्लिश ही चलेगी। अरे हमरी डार्लिंग, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। अरे देसी पीपी के ना हम भी बहुत उब चुके हैं, अब तो अंग्रेजी पिएंगे और साथ में प्याज का पकोड़ा या फिर चने मिल जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। अरे बाबा मैं उस अंग्रेजी की बात नहीं कर रही, अंग्रेजी चलेगी मतलब बस इंग्लिश में बातें करेंगे, आगे हमारे पप्पू और चिंटू के भविष्य का सवाल है। ये पप्पू चिंटू कौन है जी? हमारे होने वाले बच्चे और कौन। अरे मोरी मैया, तुमने होने वाले बच्चों का नाम भी सोच लिया और हमको बताया भी नहीं। हाँ हाँ नाम भी सोच लिए और भविष्य भी। अब सीमा कुछ अंग्रेजी की किताबें लाकर मुकेश के हाथ में पटक देती है और बोलती है, आज तुम ये सारी किताबें पढ़ लो, कल से मुझे बस इंग्लिश बोलने वाला पति चाहिए। सीमा सोने के लिए चली जाती है और मुकेश पूरी रात उन किताबों से अंग्रेजी सीखने की कोशिश भी करता है, जिसके बाद वो परेशान होकर कहता है, अरे ऐसे कैसे अंग्रेजी सीख जाए। एक काम करते हैं, अपने दोस्त रमन को कॉल करते हैं, उसको आती होगी अंग्रेजी। मुकेश आधी रात को रमन को कॉल करता है, जिसके बाद रमन उसका कॉल उठाकर बोलता है, क्या यार मुकेश आधी रात हो रही है, सोने दे मुझे। अरे भाई हमारी बात तो सुन। मुकेश रमन को सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर रमन बोलता है, नो टेंशन यार, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी, बता बता, फनी लैंग्वेज, सही बोले है ना? नहीं रे, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज। तू एक काम कर, कल तू ना अपने कानों में ब्लूटूथ लगा लियो, जिसके बाद तेरी बीवी जो भी बोलेगी मैं उसका जवाब तुझे कॉल पर दे दूंगा और तू बस उसे बोल दियो, तेरी बीवी खुश हो जाएगी। अब मुकेश रमन के कहे अनुसार अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर कॉल को चालू कर देता है और मुकेश अपनी बीवी के लिए चाय बनाकर उसे जगाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग माय लव, वेक अप प्लीज हैव अ टी। गुड मॉर्निंग माय लव, वेक अप प्लीज हैव अ टी। किताब में जादू था क्या? ये तो सच में बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलने लगे, इतनी तो शायद मुझे भी नहीं आती। गुड मॉर्निंग। रमन के शब्दों का इस्तेमाल करके मुकेश अपनी बीवी से बातें कर रहा था कि अचानक ही रास्ते में चलते हुए रमन के पीछे एक कुत्ता लग जाता है, जो कि लगभग उसे काटने ही वाला था।
के इतने में मुकेश से सीमा कहती है, बेबी ये बताओ मैं तुमको कैसी लगती हूँ, और हाँ अंग्रेजी में बताना। वही कुत्ते से परेशान होकर रमन जो बोलता है, मुकेश भी उसे रिपीट करने लगता है। ब्लडी रास्कर, आई विल किल यू। जैसे ही सीमा ये सब सुनती है वो गुस्से से तिलमिला जाती है और उसके बाद कहती है, सुनिए जी, माना कि आप एक रात में खटर पटर अंग्रेजी बोलना सीख गए हैं और मुझे इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है, पर इतना तो मुझे पता है कि आप अंग्रेजी में मुझे गालियाँ दे रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा ना तो सोच लीजिए मैं आपका खाना पीना बंद कर दूंगी। जहाँ एक तरफ मुकेश इतना कुछ सुन रहा था, वहीं रमन कुत्तों के बीच भाग रहा था, जिसके बाद भागते भागते वो अपने घर आ जाता है और रमन कॉल पर बोलता है, अब बता भाई, बड़ी मुश्किल से कुत्तों से जान बचा कर आया हूँ, वरना मुझे वो खा ही जाते। लेकिन इतनी देर में ही मुकेश कॉल काट देता है और मुकेश सीमा को कहता है, अरे हमका माफ कर दो सीमा, अरे हमको अंग्रेजी नहीं आती, हम सीख नहीं पा रहे, कितनी कोशिश की लेकिन नहीं सीख पाए, पूरी रात पढ़े लेकिन नहीं हो पाया हमसे, फिर हमने हमारे दोस्त की मदद ली लेकिन उससे भी कुछ हो ना हो पाया, अरे हम परेशान हो चुके, हमसे नहीं हो पाता। कोई बात नहीं जी, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो। का सच में तुमको हमारे अंग्रेजी ना बोलने से दिक्कत नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी जल्दी बदल कैसे गई? कल तक तो अंग्रेजी के लिए हमारे जान लेने वाली थी तुम। हाँ हाँ, आपकी गालियों वाली अंग्रेजी से तो अच्छा ही है कि आप अंग्रेजी ना ही बोले, वरना आप मुझे अंग्रेजी में गालियाँ देते रहेंगे और मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अरे हमको माफ कर दो, अगर हम कुछ गलत बोल दिए तो, हमको अंग्रेजी आती नहीं है ना, वो खातिर वो जो कुत्ता को बोला वो हम तुमको बोल दिए। एक बात पूछे, अगर हम और तुम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो हमारे जो बच्चा लोग होगा उनका क्या होगा, वो अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? अगर हम ही चाहते हैं कि हमारे बच्चा लोग अच्छे से पढ़े अंग्रेजी सीखे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको खुद अंग्रेजी सीखना होगा। अरे हाँ हाँ कोई नहीं, हम अपने बच्चे को अच्छे से अंग्रेजी सिखाएंगे ताकि भविष्य में उनको शर्मिंदा ना होना पड़े। अरे वो हमारी अम्मा कहती है कि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, और हम एक जगह कोचिंग भी देखे हैं, वहाँ पे अंग्रेजी सिखाते हैं, हम वहाँ जाएंगे अंग्रेजी सीखेंगे, और जब हम सीख जाएंगे कल को हमारा बच्चा लोग होगा तो हमारा बच्चा लोग को अच्छा अंग्रेजी स्कूल में ना एडमिशन भी मिल जाएगा। हम एक काम करते हैं, अभी जाते हैं और बात करके आते हैं, उसके बाद हम और तुम दोनों साथ में अंग्रेजी सीखेंगे। जिसके बाद सीमा और मुकेश दोनों मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। दोनों ही कुछ महीनों के बाद बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं। वेल दोस्तों, ये तो थी सीमा और मुकेश की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या आज के दौर में अंग्रेजी सचमुच एक आवश्यक अंग बन गई है? कमेंट करके हमें बताना ना भूले। कांता के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि कुछ दिनों में उसके बेटे कार्तिक की शादी थी। शादी की तैयारियों के बीच कार्तिक की बहन पूनम अपनी दोस्तों के साथ कपड़े खरीदने के लिए गई थी और वहीं पास के एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही थी। तभी पूनम की दोस्त सोनम कहती है, अरे पूनम, अब तो तेरे भाई की शादी होने वाली है, यानी कि तेरे घर में भाभी आएगी, यानी कि तेरी आजादी तो बस खत्म है समझो। हाँ तो क्या हुआ, एक ना एक दिन सबकी भाभी आती है, मेरी भी आ रही है, तो इसमें नई बात क्या है? नई बात ये है कि तेरी भाभी के घर आने के बाद तेरी पूरी आजादी तुझसे छिन जाएगी। भाभी यानी एक चलता फिरता कैमरा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी भाभी ऐसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे से बात करती है मुझसे, मेरी बात हुई है उनसे कॉल पर। शादी से पहले सब ऐसे ही करते हैं, शादी के बाद सबकी भाभी बदल जाती है, देखना धीरे धीरे वो नखरे करने शुरू कर देगी और तेरे घर में तेरी ही कोई इज्जत नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगी। इतना कहकर अब वहाँ से पूनम चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब कार्तिक की शादी सीमा से हो जाती है। शादी के अगले दिन सीमा तैयार होकर बाहर आती है और उसे देखकर कांता कहती है, बहू तू तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई, लगता है रोज जल्दी उठ जाती है। हाँ माँ जी, मैं अपने मायके में भी सबसे पहले उठकर घर का सारा काम कर लिया करती थी। एक बहू है और एक बेटी है, इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक ये पूनम नीचे नहीं आई, लगता है अभी तक सो रही है महारानी। माँ जी आप गुस्सा मत कीजिए, मैंने सारा काम तो कर ही दिया है, तो अब आप उन्हें आराम करने दीजिए। बहू रोज तो ये जल्दी उठ जाती है, पता नहीं क्यों आज नहीं उठी, अभी जाकर देखती हूँ उसे। आप रुकिए, मैं जाती हूँ नैना जी को बुलाने के लिए। इतना कहकर अब सीमा पूनम के कमरे में जाती है और उसे उठाते हुए कहती है,
ननद जी उठिए, ननद जी माँ जी बहुत गुस्सा कर रही हैं। क्या है, सुबह सुबह मुझे उठा रही हो, आप सोने दो। ननद जी माँ जी आपको बुला रही हैं, अगर आप नहीं उठोगी तो माँ जी ऊपर आ जाएंगी। ठीक है मैं उठ जाऊंगी, आप जाओ मेरे लिए पहले जूस लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। क्या कहा, जूस? ठीक है मैं लेकर आती हूँ, आप फिर मत सोना। लेकिन इतना कहकर अब सीमा पूनम के लिए जूस बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद वो पूनम के लिए जूस लेकर आती है और पूनम से कहती है, ये लीजिए ननद जी, आपने कहा था आपको जूस चाहिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आई हूँ। क्या कहा, जूस? लेकिन अब मेरा मन नहीं है जूस पीने का, एक काम करो ये आप पी लो और मेरे लिए कॉफी लेकर आ जाओ। पर ननद जी अभी तो आपने कहा था आपको जूस चाहिए, तो अब क्या हुआ? भाभी मैंने बताया ना कि मुझे जूस पीने का मन नहीं है, तो बस आप जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। पूनम के कहने पर वो फिर से उसके लिए कॉफी लेकर आती है और पूनम से कहती है, ये क्या भाभी, आप इतनी देर में आई हो कॉफी लेकर, और अब मैं बाहर जा रही हूँ, बाय। मुझे नहीं पता था कि मेरी ननद इतनी नखरे करने वाली है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, ननद है तो इसकी बात माननी ही होगी। इतना कहकर अब सीमा वहाँ से चली जाती है। एक दिन सीमा अपने कमरे में अपने नए कपड़े तय करके रख रही थी, तभी वहाँ पर पूनम आती है और कहती है, अरे वाह भाभी ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, किसने दिए हैं ये साड़ी आपको? ननद जी ये साड़ी मुझे मेरी माँ ने दी है, उन्होंने मेरे लिए ये कश्मीर से मंगवाई थी। भाभी ये तो सच में बहुत अच्छी है, मुझे ये वाली साड़ी चाहिए। ननद जी आप ये वाली साड़ी मत लो, ये मेरी माँ ने खास मेरे लिए ली है, आप दूसरी कोई ले लो। नहीं मुझे तो बस यही साड़ी चाहिए, आप दूसरी साड़ी रख लेना। लेकिन ननद जी ये साड़ी मैं आपको नहीं दे सकती, मैंने आपको बताया तो। इतना कहकर अब पूनम सीमा को नखरे दिखाने लगती है। पूनम की जिद पर सीमा को अपनी माँ की दी हुई साड़ी देनी पड़ती है, ताकि उसकी जिद की वजह से घर में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब हर दिन की तरह सीमा की ननद के नखरे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन कांता के घर उसकी पड़ोस में रहने वाली विमला आती है और कांता से कहती है, अरे कांता अब तो तुम्हारी बहू भी घर आ गई है, ये बताओ बेटी के हाथ कब पीले कर रही हो? सोच तो रहे हैं कि बेटी की शादी करा दूं, लेकिन अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है जो लड़का तुम अपनी बेटी के लिए पसंद करोगी उसे शादी करने के लिए तुम्हारी बेटी तैयार हो जाएगी? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बेटी कितने नखरे वाली है। हाँ हाँ जानती हूँ मेरी बेटी थोड़ी सी नखरे वाली है, लेकिन शादी तो करनी ही है उसकी, बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए फिर मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है और कांता से कहती है, अरे माँ जी अब किसकी शादी की बात हो रही है यहाँ, मुझे भी बताओ। अरे बहू और किसकी बात चलेगी, तेरे नखरे वाली ननद की शादी की बात चल रही है। अच्छा ये तो अच्छी बात है, अब मैं भी अपनी ननद की शादी देख पाऊंगी। ये तो बताओ कि कोई रिश्ता देखा आपने? नहीं बहू अभी बस रिश्ता देख रहे हैं, जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो करवा देंगे शादी। अपनी शादी की बात सुनकर पूनम अपने कमरे से बाहर आती है और कहती है, ये सब क्या है माँ, आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं? इतनी भी क्या जल्दी है मुझे इस घर से निकालने की? अब शादी की बातों को लेकर तू अपने नखरे मत दिखा, समझी? शादी तो सबको एक न एक दिन करनी ही है, फिर चाहे आज करें या कल। ठीक है पर मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पसंद आएगा, वरना किसी से नहीं। अच्छा ठीक है, जो भी लड़के रिश्ते के लिए आएंगे तो उनके फोटो देखकर बता देना, खुश? पूनम की बात कांता मान लेती है और उसकी शादी के लिए लड़के देखना शुरू कर देती है। जो भी रिश्ते अब विमला या पूनम की माँ पूनम को दिखाती तो वो उन सबको मना कर देती। जब सीमा उसे किसी की तस्वीर दिखाती तो वो नखरे दिखाकर उन्हें मना कर दिया करती, लेकिन पूनम के नखरों से तंग आकर एक दिन कांता पूनम का रिश्ता अपने पसंद के लड़के से कर देती है और पूनम से कहती है, बस पूनम बहुत हो गई तेरी मनमानी, अब नहीं चलेगी, अब तेरी शादी उस लड़के से होगी जिससे मैं चाहती हूँ, बस। माँ आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। क्या कहा, तू किसी और को पसंद करती है? कौन है वो लड़का, क्या करता है, उसका घर परिवार है कुछ? माँ मैं सब बताऊंगी, बस आप मुझे ये बताओ कि आप मेरी शादी उससे करवाओगी या नहीं। पूनम की बात मानकर कांता उस लड़के को घर बुलाने को कहती है और कुछ दिनों बाद वो उस लड़के को घर ले भी आती है, जो कि दिखने में एकदम गुंडे की तरह था। उसके हाथ में सिगरेट थी, जिसे देखकर सीमा कहती है,
माँ जी मैं तो कहती हूँ जब तक ननद जी की इससे शादी नहीं होगी तब तक वो ऐसे ही नखरे दिखाती रहेंगी। एक बार इन्हें अपने मन की करने दो, फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। बहू तू कह तो सही रही है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है अपनी बेटी की शादी इस लफंगे से कराने को। माँ जी लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है, आप क्या चाहती हैं कि ननद जी खुद इस लड़के से भागकर शादी कर ले? सही कहा बहू, अब तो शादी करवानी ही पड़ेगी। इतना कहकर अब कांता कुछ ही दिनों में अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा देती है। शादी के कुछ महीनों बाद कांता और सीमा पूनम से मिलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक पुरानी साड़ी में घर का काम कर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका पति उसे आवाज देकर उल्टा सीधा सुना रहा था, सास भी ताने दे रही थी, लेकिन बदले में पूनम कुछ नहीं कहती, बस कुछ आंसू बहाकर चुपचाप सुनती है। ये देखकर कांता और सीमा के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि जो लड़की दूसरों को नखरे दिखाती थी वो आज किसी और के नखरे सह रही है। अंजलि बहुत गुस्से वाली औरत थी, वो अपने गुस्से में अपने सामने पड़ी सभी चीजों को तोड़ने लगती थी। उसकी सास शारदा बहुत ही शांत स्वभाव की औरत थी, उसे अपनी बहू के गुस्से से बहुत डर लगता था। उसे हमेशा ये डर रहता कहीं गुस्से में वो कुछ गलत ना कर दे। वो अपनी बहू को बहुत समझाती थी लेकिन अंजलि के पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। एक दिन अंजलि अपने पति ऋषि से मिलने के लिए लंच टाइम में टिफिन लेकर ऑफिस जाती है और जैसे ही वो कैबिनेट का गेट खोलती है तो देखती है कि ऋषि एक लड़की के पैर पकड़कर उससे बातें कर रहा है। तभी वो गुस्से में अंदर जाकर कहती है, यू ये क्या काम कर रहे हो आप ऑफिस में? जब मैं आपको कॉल करती हूँ तो बात करने के लिए तो आपके पास टाइम नहीं होता, और अब इस लड़की के पैर को पकड़ के बैठने का टाइम है आपके पास? यार तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं तो बस इस बेचारी की हेल्प कर रहा था, अब मेरी वजह से इसको चोट लग गई थी, वो भी इसलिए। हाँ हाँ इसकी हेल्प तो करोगे ही, दुश्मन तो सिर्फ मैं हूँ ना आपकी। मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अंजलि गुस्से में इतना कहकर अपने सामने पड़ी चीजों को उठाकर फेंकना शुरू कर देती है। ऋषि के कैबिन से चीजों के तोड़ने फोड़ने की आवाज सुनकर ऑफिस के सभी लोग उसके कैबिन के आगे जमा हो जाते हैं। तभी अंजलि गुस्से में टेबल पर रखे लंच बॉक्स को उसके कैबिन की खिड़की से जोर से फेंकती है, जिससे उसके कैबिन का शीशा टूट जाता है और लंच बॉक्स जाकर ऋषि के बॉस के सर पर लगता है और उसका सर फट जाता है। अंजलि उसके कैबिन का सारा सामान तोड़कर गुस्से में घर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि अपने बॉस को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। अंजलि को गुस्से में आते देखकर हॉल में बैठी उसकी सास डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती है और उसके कमरे में जाने के बाद अपने बेटे ऋषि को कॉल करके उससे कहती है, बेटा ये बहू को क्या हो गया है? ये तो तेरे साथ लंच करने गई थी ना तेरे ऑफिस, लेकिन ये आग बगुला होकर क्यों आ रही है? कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? माँ ये पूछिए क्या नहीं हुआ है। अरे इस साइको लड़की से शादी करके मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। अरे इसके साथ रहने से तो अब डर लगता है मुझे। तू ऐसे बोल रहा है, ऐसा हुआ क्या है ये तो बता। अरे कुछ नहीं माँ, मेरी ऑफिस की एक लड़की को मेरी वजह से चोट लग गई। अरे मैं बस उसके पैर पकड़कर देख रहा था कि ज्यादा चोट तो नहीं लगी। उस पर इस मैडम ने इतना बवाल कर दिया कि मेरे कैबिन की कोई चीज सलामत नहीं है। अरे सब तोड़कर आई है ये मैडम, साथ ही मेरे बॉस का सर भी फोड़ दिया है। अरे उसी को लेकर हॉस्पिटल आया हूँ मैं। इतने तमाशों के बाद तो जॉब भी नहीं रहेगी मेरी अब। हे भगवान, बहू तो गुस्से में सच में पागल सी हो जाती है, अब क्या होगा पता नहीं। पता नहीं माँ, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। अरे होश आ जाए बॉस को मेरे एक बार, तभी मैं घर आऊंगा। अभी मैं फोन रखता हूँ, मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। और तो और पता नहीं ये गुस्से में चीजों को तोड़ने वाली बहू कहाँ से मिल गई आपको। ऋषि इतना कहकर फोन रख देता है और हॉस्पिटल में अपना सर पकड़े सीट पर बैठे अपने बॉस के होश में आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बॉस को होश में आते देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। समय बीतता है लेकिन अंजलि का गुस्सा कम नहीं होता। ऐसे ही एक दिन अंजलि अपनी बहन की सगाई पार्टी में जाती है जहां उसे जोरों की भूख लगती है। तभी उसकी नजर खाने के स्टॉल पर जाती है और वो तुरंत टिक्की वाले के पास जाती है और उससे टिक्की बनाने को कहती है। टिक्की स्टॉल के सामने बहुत भीड़ होने की वजह से उसे अंजलि की आवाज सुनाई नहीं देती, जिस पर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां रखी सारी प्लेट्स को उठाकर एक दूसरे पर पटक कर तोड़ने लगती है, सारी चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। तभी उसकी सास शारदा वहां आती है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है,
बहू तू ये क्या कर रही है, जहाँ देखो गुस्सा आते ही चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो माँ जी क्या करूँ मैं, लोगों पर गुस्सा दिखाकर उनको नुकसान पहुँचाने से अच्छा तो गुस्सा सामान पर उतार लूँ ना। शांत हो जा बहू, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, तेरी सगी छोटी बहन की सगाई है, अपने माँ बाप की तो इज्जत का कुछ ख्याल कर ले। मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजलि इतना कहकर गुस्से में बिना कुछ खाए घर वापस आ जाती है, जिसके बाद शारदा और ऋषि भी अब अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन शारदा की पड़ोसन सावित्री उसके घर आती है। दोनों शारदा के कमरे में बैठकर बातें कर रही थी, तभी अंजलि उनके लिए चाय लेकर आती है और सावित्री से कहती है, आंटी जी मैंने आपको आते हुए देख लिया था, इसलिए माँ जी के कहने से पहले ही मैं आपके लिए चाय नाश्ता ले आई। सूरज कहाँ से निकला है जो मेरी बहू गुस्से में नहीं है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, बचाना भगवान। बहू तूने अच्छा किया, अब तू चाय की ट्रे यहाँ रख दे और जा आराम कर ले थोड़ा। हाँ बहू जा तू, और ये चाय की ट्रे भी ले जा, मुझे चाय नहीं पीनी है, मैं अभी पीकर आई हूँ, वैसे भी मेरी शुगर बड़ी हुई है। लो हो गई गड़बड़, अब बहू को गुस्सा आ जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी ले सावित्री। नहीं नहीं शारदा बहन, मन नहीं है, और बोला ना मेरी शुगर बड़ी हुई है इस टाइम। आंटी जी आपको चाय तो पीनी पड़ेगी, मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। ये कौन सी बात है बहू, कोई जबरदस्ती है क्या? सावित्री की बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो चाय की ट्रे को उठाकर जमीन पर फेंक देती है, जिससे सारी चाय सावित्री के पैरों पर गिर जाती है और उसका पूरा का पूरा पैर जल जाता है। फिर भी अंजलि को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टेबल पर रखी किताबें फेंकने लगती है, वास मारकर टीवी तोड़ देती है। तभी सावित्री गुस्से में कहती है, शारदा तेरी इस गुस्से में चीजों को तोड़ने वाली बहू को पागलखाने भेज, इसके घर में कोई जगह नहीं है, पता नहीं तू इसे कैसे झेलती है, तेरी बहू है तू ही झेल। सावित्री इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अंजलि भी गुस्से में अपनी कमरे में चली जाती है और वहाँ की चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है। ये सब देखकर शारदा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय अंजलि को उठने में देरी हो जाती है, वो जल्दी से तैयार होकर रसोई में खाना बनाने जाती है, लेकिन उसे गैस जलाने के लिए माचिस नहीं मिलती और ना ही लाइटर, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में गैस उठाकर जमीन पर फेंक देती है, सभी बर्तनों को तोड़ने लगती है। तभी उसे माचिस भी मिल जाती है और वो माचिस जलाने ही जाती है कि तभी ऋषि और शारदा भी वहाँ आ जाते हैं, और ऋषि अंजलि को इस तरह से बर्तनों को फेंकते हुए देखकर उस पर एक जोर से थप्पड़ उठाकर मारता है। तभी शारदा ऋषि का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे बेटा ये तू क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या, तू बहू पर हाथ उठा रहा है, गलत बात है ये बेटा। माँ पागल मैं नहीं, आपकी बहू हो गई है, और रही बात इस पर हाथ उठाने की, तो इसने मुझे इतना मजबूर कर दिया हाथ उठाने के लिए कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। और माँ जिस दिन से इस औरत ने हमारे घर में कदम रखा है, हमारे घर की शांति भंग हो गई है। मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन इस तरह से अपनी बीवी पर हाथ उठाना किसी समस्या का हल नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश कर। ऋषि और शारदा आपस में बहस कर रहे होते हैं, तभी अंजलि जो कि ऋषि के उस पर हाथ उठाने की वजह से गुस्से से आग बबूला हो गई थी, वो जाकर उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कहती है, आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपकी इतनी हिम्मत, आपको अपनी बीवी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? शायद आप ये भूल रहे हैं कि मैं कोई पुराने जमाने की औरत नहीं हूँ, बल्कि आज के जमाने की औरत हूँ, और आपको अपनी इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। इससे ज्यादा तुम कर भी क्या सकती हो, और रही बात थप्पड़ मारने की, तो मजबूर तुमने किया है मुझे। मैंने आपको मजबूर किया खुद पर हाथ उठाने के लिए, क्यों, मैंने आखिर ऐसा क्या किया, क्यों हाथ उठाया आपने मुझ पे? अरे क्योंकि तुम पागल हो गई हो अपने गुस्से में, ना जाने तुम्हें कितना गुस्सा आता है, अरे अपने गुस्से के आगे तुम्हें गैस की स्मेल तक नहीं आ रही, अरे अभी तक तो सिर्फ चीजें ही तोड़ती थी गुस्से में, अब क्या जान से मारने का इरादा है? तुम्हारा ये पागलपन और गुस्सा देखकर हमें डर लगने लगा है, अरे थक गए हैं हम ये सब देख देख कर, और आज अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम अपने गुस्से में पूरे घर को आग लगा देती, अरे निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। ऋषि की बात सुनकर अंजलि डर जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने पति और सास से माफी मांगती है और आगे से अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश का वादा करती है, और इस तरह से शारदा को
गुस्से में चीजें तोड़ने वाली बहू की आदतों से छुटकारा मिल जाता है। कार्तिक अपने दो भाइयों और पिता के साथ रहा करता था। उसकी माँ का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी नहीं की और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर उसके दोनों भाई ने भी आजीवन शादी ना करने का वचन ले लिया। लेकिन कार्तिक कंचन नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उसे पता था उसके भाई और पिता कभी उसकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए वो कंचन से भागकर मंदिर में शादी कर लेता है, जिसके बाद वो कंचन के साथ अपने घर आता है, जिसे देखकर उसके दोनों भाई और पिता कहते हैं, कार्तिक ये सब क्या है, तूने शादी कर ली, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें बताए बिना ये कदम उठाने की। कार्तिक तुझे शर्म नहीं आई, अभी तक तेरा बड़ा भाई कुवारा है और तूने शादी कर ली। हम तीनों भाइयों ने एक साथ ये कसम खाई थी ना कि हम कभी भी शादी नहीं करेंगे, तो तू ऐसा कैसे कर सकता है, तूने अपनी मरी हुई माँ की झूठी कसम खाई। कार्तिक भैया, रोहन भैया सही कह रहे हैं, आप शादी कैसे कर सकते हो पापा और भैया को बिना बताए। हो गया आप सबका या कोई और भी बाकी है बोलने के लिए? एक एक करके इतने सारे सवाल कर रहे हो आप घुमा फिरा कर। आपको दिख रहा है कि मैंने शादी कर ली है, अब तक मैं आपकी वजह से कुवारा रहता था। अरे मेरी भी जिंदगी है, और भैया आप जिंदगी भर कुवारे रहने की कसम खाई थी ना आपने, तो मैंने नहीं, और मैं कंचन से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए हमने शादी कर ली। अरे खुदगर्ज, शादी करने से पहले एक बार हमारी भी सोच लेता, अरे हम पे क्या बीतेगी। अरे तूने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा। पिताजी क्या बताता आपको कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, और आप खुशी खुशी कहते कि हाँ बेटा क्यों नहीं, जैसे तेरी मर्जी उससे ही शादी कर ले तू। लेकिन भैया एक बार तो आपको बताना चाहिए था ना, क्या पता पिताजी और भैया आपकी शादी के बारे में सोचते। लेकिन आपने तो जल्दबाजी कर दी और किसी को कुछ बताया भी नहीं। पिताजी आप देख क्या रहे हैं, घर से बाहर निकालो इसे, इसने पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटा कर रख दी है। रुको, सही कहा, जिंदगी भर कुआरे रहने की कसम तुम लोगों ने खाई थी, हमें कोई हक नहीं कि हम किसी और पर अपनी जिम्मेदारी थोपे, इसे जो करना है करने दो, सब अपना अपना काम करो, जाओ। इतना कहकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कार्तिक भी कंचन को अपने कमरे में ले जाता है, जहां वो अपने छोटे भाई के साथ रहा करता था। कुछ देर में बंटी उस कमरे में आता है और कार्तिक से कहता है, जो भी हो भाई, भाभी बहुत सुंदर है, और भाभी वेलकम, हमारे घर में आपका स्वागत है। अरे वाह, अभी तो तू बाहर बहुत ड्रामा कर रहा था, अब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। अरे भैया, बड़े भैया के सामने थोड़ा सा ड्रामा तो करना ही पड़ता है ना, वरना उन्हें शक हो जाता कि मैं भी आपकी तरफ हूँ। कार्तिक, लगता है तुम्हारा भाई बहुत समझदार और अच्छा भी है। हाँ भाभी आपने सही कहा, और हाँ कोई आपको पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। हमेशा मैं यही चाहता था कि मेरी भी एक भाभी हो जो हमारे घर आए, हमारे घर को संभाले, और आखिरकार मेरी ये विश पूरी हो गई। अब तो हमें अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। क्यों नहीं देवर जी, मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, और मैं जानती हूँ कि आपको और पापा जी को भी खाना बहुत पसंद आएगा। अच्छा बंटी ये बता तू यहाँ क्यों आया है, कुछ काम था क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं यहाँ पे सामान लेने आया था अपना, अब मैं यहाँ पर भाभी और आपके साथ तो रह नहीं सकता। इतना कहकर अब बंटी अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाता है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है, और अगली सुबह कंचन सभी के लिए नाश्ता बनाती है, तभी वहाँ पर कार्तिक का बड़ा भाई रोहन आ जाता है, और कंचन को देखकर किचन में रोहन कहता है, ए लड़की तू हमारी रसोई में क्या कर रही है, तुझे यहाँ आने किसने दिया? जेठ जी, ये मेरा ससुराल है और ये किचन मेरा भी तो है, इसलिए मैं आप सभी के लिए खाना बना रही थी। क्या कहा, खाना बना रही है, लेकिन हमें किसी और औरत के हाथों का खाना नहीं पसंद है, तो तुम यहाँ से जाओ। जेठ जी, माना कि सासू माँ के जाने के बाद खाना पीना सब कुछ आपने और ससुर जी ने ही संभाला होगा, लेकिन अब इस बिन सास के ससुराल में एक बहू आ गई है, और अब सब काम की जिम्मेदारी मेरी है, तो अब आप सब आराम कीजिए। मुझे तुम्हारी ये सब बकवास नहीं सुननी है, जाओ यहाँ से, मैं खुद बना लूंगा खाना। रोहन की आवाज़ सुनकर वहाँ पर रमेश आता है, जो रोहन को गुस्सा करते हुए देखकर कहता है, रोहन बहू को अपना काम करने दो, वो सही कह रही है, अब ये इसका घर है, अरे अपनी जिम्मेदारियाँ बहू को ही उठानी पड़ेंगी। लेकिन पापा आप ये सब कैसे कह सकते हैं, हमेशा तो आप सबके लिए मैं ही खाना बनाता हूँ, फिर आप एक दूसरी लड़की को ये सब कैसे करने दे सकते हैं? अरे जितना कहा है उतना करो, समझ नहीं आता तुम्हें? ठीक है पापा। इतना कहकर अब रोहन वहाँ से चले जाता है, और कंचन सारा काम खुद करती है और सबके लिए खाना भी बनाती है। यूं ही कुछ समय और बीत जाता है,
लेकिन फिर भी कार्तिक के घर में सभी लोग उसे पूरी तरह से नहीं अपनाते। एक दिन रोहन को बहुत तेज बुखार आ रहा था और वो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। सभी नीचे बैठकर खाना खा रहे थे, तभी बंटी कहता है, क्या बात है पापा, अभी तक रोहन भैया नीचे नहीं आए और इतनी देर तक वो कभी अपने कमरे में नहीं रहते। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है, अभी तक नहीं आया वो नीचे, मैं देख कर आता हूँ। नहीं पापा जी, आप खाना खाइए, मैं देख कर आती हूँ जेठ जी को। इतना कहकर अब कंचन रोहन के कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि रोहन अपने बेड पर बीमार पड़ा हुआ है। ये देख कर कंचन परेशान हो जाती है और कहती है, हाय राम, ये आपको क्या हुआ? आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर को मत बुलाओ वरना सब परेशान हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँ, अगर बुखार नहीं उतरा तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी आपकी जेठ जी। इतना कहकर अब कंचन जल्दी से बर्तन में पानी लेकर आती है और उसमें एक कपड़े को भिगोकर रोहन के सर पर रखती है। साथ ही साथ कंचन रोहन का बहुत ध्यान भी रखती है, उसके लिए बहुत सादा खाना बनाकर लाती है। ये सब देखकर रोहन को अपना बचपन याद आ जाता है और वो कुछ देर बाद ठीक हो जाता है और कंचन से कहता है, कंचन तुम्हें पता है जब मैं बहुत छोटा था तब मेरी माँ भी मेरे बीमार होने पर मुझे संभाला करती थी, और आज जब तुमने मेरी वैसे ही सेवा की जैसे कभी मेरी माँ किया करती थी, अब मुझे एहसास हो रहा है कि घर में एक औरत जैसे माँ बेटी बहू सास का होना बहुत जरूरी है। औरत के बिना घर बिल्कुल अधूरा होता है, ये मुझे अब समझ आ गया है। ये तो अच्छी बात है जेठ जी, मुझे भी मेरे बिन सास ससुराल में थोड़ा अकेलापन महसूस होता है। अगर घर में एक और औरत होती तो मन लगा रहता, अब सब तो बाहर चले जाते हैं, मैं अकेली रह जाती हूँ घर में। हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। अब ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अगली शाम बंटी किसी लड़की से फोन पर बात करते हुए परेशान था। ये देखकर रोहन उससे कहता है, क्या बात है बंटी, तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं भैया, वो एक दोस्त का कॉल था, वो थोड़ा परेशान था ना। वो दोस्त कोई लड़की है क्या, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? अब बंटी अपने भाई को उस लड़की के बारे में बताता है जिससे वो प्यार करता था और शादी करना चाहता था। उसे लगता है ये सुनकर उसका भाई कुछ कहेगा, लेकिन रोहन उससे कहता है, तो बता कब शादी कर रहा है उस लड़की से? क्या कहा भैया, शादी? लेकिन आप तो शादी के खिलाफ है ना? लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई अब शादी कर ले। रोहन के बदले व्यवहार को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और आखिर में रोहन अपने भाई की शादी करवा देता है। ये देखकर कंचन भी बहुत खुश होती है कि अब उसकी सास बिना ससुराल में देवरानी भी आ गई है और अब उसके साथ वो हर काम में उसका हाथ बटाया करेगी। अंजू और लता ननद भाभी थी, ये दोनों ही अपने ससुराल में बहुत खुशी से रहती थी। एक दिन अंजू ने अपने मायके फोन किया और अपनी माँ परमजीत को बोलती है, हेलो। अरे हाँ अंजू बेटी, कैसी हो तुम? हाँ माँ मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? हाँ मैं भी अच्छी हूँ, और घर में सब कैसे हैं? वहाँ सब ठीक है माँ, आप बताओ? यहाँ भी सब ठीक है। आज बहुत दिन पर याद आई तुझे अपनी माँ की? अरे माँ घर आ रही हूँ आपके पास, यही बताने के लिए कॉल किया था। अरे ऐसे अचानक क्यों, कोई बात हुई है क्या? अरे माँ चिंता वाली कोई बात नहीं है, बल्कि खुशी वाली बात है, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना तो आपसे मिलने का मन कर रहा था। सच? ये तो बहुत अच्छी बात बताई तूने, चल जल्दी आ जा, मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशखबरी सबको देती हूँ। इस तरह अंजू के गर्भवती होने की खबर परमजीत सबको देती है। अब अंजू अपने मायके आ गई थी, लेकिन गर्भवती होने के कारण वो बहुत नखरे दिखाती थी। एक दिन अंजू अपनी भाभी लता से कहती है, भाभी क्या कर रही हो आप अभी? कुछ नहीं, बस अभी ही घर के काम खत्म कर फ्री हुई हूँ। कोई काम था क्या मुझसे? भाभी मेरा ना आज वो डेली वाले दाल चावल रोटी सब्जी ये खाने का मन नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए कुछ स्पेशल सा बना देंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या खाओगी तुम? क्या खाऊंगी, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे। अरे अंजू बस इतनी सी बात बता दो, कैसा स्वाद खाने का मन है तुम्हारा? बाकी तो मैं खुद ही बना दूंगी। कैसा स्वाद मतलब भाभी? अरे स्वाद मतलब खट्टा मीठा तीखा, कैसा खाना चाहोगी? थोड़ा तीखा थोड़ा खट्टा मीठा। ठीक है तुम यहीं बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। ठीक है भाभी जल्दी लेकर आना। लेकिन आप बनाओगी क्या? मैं बनाऊंगी थोड़ी तीखी आलू टिक्की और खट्टी मीठी इमली की चटनी। अरे वाह भाभी आपने क्या डिश बताई है, मेरे तो मुंह में सुनकर ही पानी आ रहा है, जल्दी से बना कर ले आओ। हाँ हाँ लाती हूँ। थोड़ी देर में लता अंजू के लिए टिक्की बना कर लाती है और उसको देकर बोलती है, लो अंजू
खा लो तुम अपनी तीखी टिक्की और खट्टी मीठी चटनी, लेकिन ज्यादा मत खाना क्योंकि फिर पेट में दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है भाभी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। आप भी खाओ ना। अरे नहीं, मैंने खा लिया था खाना, तुम खाओ। ऐसे ही अंजू लता को कुछ नखरे दिखाती थी और उसे काम में लगाए रखती थी, लेकिन लता उसे कुछ भी नहीं कहती थी। अंजू के सारे नखरे चुपचाप ही सह लेती थी। तभी एक दिन लता की सास और अंजू की माँ परमजीत लता से कहती है, अरे लता बहू, एक बात तो बता मुझे जरा। क्या माँ जी, कहिए ना। तुम्हें अंजू का ऐसा बर्ताव अच्छा लगता है क्या, जो तुम उसकी हर बात मान लेती हो? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, पर मैं ननद जी के हालात को समझ सकती हूँ। ऐसे समय में बहुत बदलाव होते हैं, तो बस इसलिए मैं उनकी सब बातें मान लेती हूँ। अरे हाँ बहू, मैं समझती हूँ इस बात को तो, कि वो गर्भवती है, उसका स्वभाव बदल जाता है। लेकिन बहू, ये कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाने लगी है तुझको। कोई बात नहीं माँ जी, वो जानबूझकर ऐसा थोड़ी करेंगी, बल्कि ऐसे समय में हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा उनके हालातों को। बोल तो तुम भी सही रही हो, लेकिन ऐसा न हो जाए कि तुम्हारे इस अच्छे स्वभाव की वजह से उसके नखरे दिखाने की आदत बढ़ जाए। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। परमजीत ने लता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो अपने अच्छे स्वभाव के चलते कुछ भी समझ नहीं सकी कि उसकी सास किस बारे में समझाना चाहती है। एक दिन ऐसे ही लता का पति ललित अपनी बहन अंजू से बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, अगर तुम गर्भवती हो तो क्या तुम किसी और को कुछ नहीं समझोगी? क्यों भैया, क्या हो गया, आपकी बीवी से जरा काम क्या करवा लिया, आपको इतनी तकलीफ हो गई? अरे पागल, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई और ना ही तुम्हारी भाभी को कोई तकलीफ हुई। तकलीफ तो तुम्हें हो रही होगी ना यहाँ रहने में। मुझे? लेकिन क्यों, मैंने ऐसा कब बोला, आपसे या किसी और से? तो फिर माँ तुम्हारा सामान क्यों बांध रही थी? क्या, माँ मेरा सामान बांध रही थी? कब और क्यों, आप सच कह रहे हैं भैया? हाँ हाँ मेरी बहन, मैं सच बोल रहा हूँ, अभी ही देख कर आया हूँ माँ को तुम्हारे कमरे में। अच्छा भैया, अगर ऐसा है तो हम दोनों चलकर ही माँ से पूछ लेते हैं कि बात क्या है। हाँ सही कहती हो तुम, चलो फिर। अंजू और ललित परमजीत के पास आकर पूछते हैं, तो परमजीत उन दोनों को बोलती है, मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है माँ, बोलो। हाँ माँ बोलो, सुन रही हूँ। ये बात सिर्फ तुम दोनों के लिए ही है। अच्छा माँ बोलो भी। तुम दोनों ने आज तक लता के साथ जो बर्ताव किया है, क्या वो सही था? वो तो उसका ही अच्छा स्वभाव है, नहीं तो उसकी जगह कोई और लड़की होती ना, तो वो अब तक तुम्हें अलग कर चुकी होती। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने भाभी से जरा सा काम क्या करवा लिया, उन्होंने आपसे शिकायत कर दी। अरे उसने मुझे कुछ नहीं कहा, वो तो मैंने ही उसे देखा है, दिन रात लगी रहती है बस वो। अरे माँ इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, वो बहू है ना इस घर की, काम करना उनका परम धर्म है, और मैंने काम करवा लिया तो क्या ही हो गया, बताओ, बेटी थोड़ी ना है वो जो मेरी नकल करेगी। अरे तो तुम भी तो किसी के घर की बहू हो, तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाए तो तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कैसा लगेगा, अब बोलो। माँ तुम भी ना क्या बातें लेकर बैठी हो, लता ने कुछ कहा क्या इस बारे में आपसे? अरे नहीं, वो क्या बोलेगी, मैंने ही सोचा था कि उसको समझाऊं कि वो नखरे ना झेले, पर वो तो कहने लगी मेरी प्यारी ननद गर्भवती है, तो ऐसे में तो हमको उसको समझना ही होगा, और कौन समझेगा। फिर आप क्यों चिंता कर रही हो माँ, जब वो ठीक है तो सब ठीक होगा। ललित की इस बात पर परमजीत थोड़ा गुस्से से बोलती है, अरे लेकिन तुम दोनों तो ठीक हो ना, जब देखो उसके साथ गैरों वाला बर्ताव करते रहते हो, आखिर वो भी तो इंसान है ना, सुधर जाओ तुम दोनों। मगर माँ मेरा तो पता है, लेकिन भैया ने ऐसा क्या किया जो बार बार हम दोनों को डांट लगा रही हो? अरे हाँ माँ, मेरा क्या कसूर है इसमें, ये तो इन दोनों ननद भाभी का आपसी मामला है ना। तुम कम हो क्या, अंजू तो अब नखरे दिखाने लगी है जब वो गर्भवती है, लेकिन तुम तो हमेशा से ही लता को तंग करते आए हो। अब मैंने क्या किया जो मुझ पर गुस्सा हो रही हो माँ? क्यों, जब से शादी हुई है तुम्हारी, तुमने उसे कितना समय दे दिया, बोलो जरा, हमेशा मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो अपनी जिम्मेदारी को। अरे उसकी खुशी और उसकी जरूरतों का ख्याल भी तो तुमको ही रखना है। हाँ माँ ये तो सही कहा आपने, मैं अपने काम के चलते लता और आपकी भी खुशियों का ध्यान नहीं रख सका, उसके लिए मैं आपसे लता से माफ़ी मांगता हूँ। ये तो मेरी बहू है जो अब तक सब बर्दाश्त कर रही है, बेटी होती तो अभी तक अपने पति से लड़ाई करके मायके बैठी होती, समझे तुम दोनों? हाँ माँ मुझे समझ आ गया, अब मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा,
और आपको या आपकी बहू को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। माँ मैं भी समझ गई, पर मैं नखरे दिखाना नहीं छोड़ सकती, बिकॉज यू नो ना आई एम प्रेग्नेंट। इस तरह से परमजीत ने अपने दोनों बच्चों को इंसानियत और रिश्तों की महत्वता के बारे में समझाया। इतने में लता भी घर वापिस आती है, तभी अंजू बोलती है, भाभी आप कहाँ गयी थी मुझे छोड़कर? मैं तो मार्केट गयी थी, ऐसी हालत में आपको लेकर नहीं जा सकती थी साथ, इसलिए अकेले ही चली गई। कोई बात नहीं, पर आप मेरे लिए कुछ लाई? कुछ समझ ही नहीं आया क्या लेकर आऊँ आपके लिए मार्केट से। पर कुछ तो लाना था ना, कुछ खाने को ही ले आती। अरे हाँ वो तो मैं ले ही आई, आपकी खट्टी मीठी चटनी और तीखी टिक्की। लो फिर से शुरू हो गए इसके नखरे, ये कभी नहीं सुधरेगी। क्यों सुधरे माँ जी, गर्भवती ननद तो ऐसी ही होगी ना। लता की सहजता और परमजीत की समझदारी के चलते ही अब परिवार खुशी से रहने लगा और माँ की चिंता भी दूर हो गई, और इसी तरह से गर्भवती ननद के नखरे भी उसकी प्यारी भाभी ने बिना किसी नोक झोंक के पूरे किए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।